Hello everyone, good morning to you all. Abhinandan, swagat, welcome. Vanakma, khama ghani, ram ram sa, kaise aap sab, ummeed karta hai, jhakka aap se ekdam badhiya se honge. To chaliye ek naye josh, bhurti umang, utsah ke saath shuru karte hain, aaj ka hamara ye adhyay. लेकिन उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे सर ये स्फूर्ति जोश उमंग उत्साह क्यों है, क्योंकि आप अक्सर ऐड के माध्यम से देखते हैं. बट आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एड फॉर एनी प्रोडक्ट, मैं किसी प्रोडक्ट के लिए ऐड नहीं कर रहा. स्टूडेंट्स आपके लेसन से रिलेटेड थोड़ा सा आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. एक नया जोश, नया उमंग, स्फूर्ति, उत्साह जिसके माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं. आप घर में एक ऐसा लिक्विड लेते हैं जिससे आपकी नींद भाग जाती है, कोसों दूर हो जाती है, नन अदर थिंग दैट इज टी. जी हाँ, आज मेरा टॉपिक है Glimpses of India, lesson 7, 10 form के लिए part 3, tea from Assam, अरुण कुमार दत्ता का ये lesson, in which there are two characters, Pranjal and Rajveer. Pranjal is the classmate of Rajveer, and the father of Pranjal worked as a manager in a tea garden. So they both started their traveling, and Pranjal invited Rajveer to spend summer vacations with her. So इसके बारे में हम जानेंगे. एंड इन दिस लेसन थ्रू दिस लेसन दत्ता टोल्स दत्ता टेल्स अस अबाउट द वर्क्स इन प्लेसेस, अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर आल्सो. सो नाउ दीज आर द मेन पॉइंट्स. टी इज अवर मोस्ट पॉपुलर बेवरेज. टी इज ओरिजिन इज स्टिल अ मिस्ट्री. द बुद्धिस्ट मॉन्क आर सेड टू हैव स्प्रेड द टी हैबिट थ्रू आउट द एशियन कंट्रीज. In this travelogue, Rajveer, a boy from Delhi, goes with his classmate Pranjal to Assam during the summer vacations. Pranjal's father is the manager of a tea garden there. Rajveer does a lot of homework before he set out for the tea estate. So along with this, I am going to start the reading of this lesson, third part, 10th poem, 7th lesson, Tea from Assam. Pranjal, youngster from Assam. Pranjal Assam से एक यंगस्टर, एक युवती, राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली में एक विद्यालय के अंदर. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam. असम के ऊपरी एक क्षेत्र में टी गार्डन में मैनेजर है. एंड Pranjal has invited Rajveer to visit his home. और Pranjal ने राजवीर को आमंत्रित किया है कि ड्यूरिंग समर वेकेशन वो उसके घर पर आए. चाय गरम, गरम चाय. I gram chai, chai gram. A vendor called out in a high pitched voice. High pitched means loud. I'm not talking about myself, I'm just talking about the vendors to whom you always listen at the railway stations when you want to get a sleep. Then all of a sudden during midnight or early in the morning, they called out at the stations, chai, karam chai, chai gram, in this manner. So in the same manner, vendor called out in a high pitched voice. एक हाई पिच ऊंची आवाज में वेंडर ने आवाज लगाई, चाय गरम, गरम चाय. ही केम अप टू देयर विंडो. और वह जो राजवीर है विंडो की तरफ से आया लास्ट और कहा कि वेंडर केम अप टू देयर विंडो, उनके खिड़की की तरफ आया लास्ट और कहा चाय सा. अक्सर ऐसा होता है बच्चा, तभी मैं कहता हूं कि आपके चारों तरफ के वातावरण से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत समझ सकते हैं. Give us two cups, Pranjal said. Pranjal ने कहा दो कप चाय दे दीजिए. They sipped the steaming hot liquid. Sip means घूंट लेना. और उन्होंने उस धुएं निकलती हुई गर्म चाय, जो एक गर्म चाय थी, उसके घूंट लिया. Almost Ryan in their apartment was drinking tea too. और ज्यादातर Ryan उनके जो compartment में भी चाय ले रहा था. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? विश्व में, पूरे विश्व में हर रोज जो है 80 करोड़ चाय के प्याले जो पिए जाते हैं, क्या आप जानते हो? राजवीर ने कहा. एक्सक्लेम Pranjal. Pranjal ने एक्सप्लेन किया, टी रियली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रसिद्ध है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. गाड़ी जैसी स्टेशन से चलनी शुरू हुई, Pranjal buried his nose in his detective book again. Buried his nose, here it is, the phrase means kept reading. अपनी कॉन्टिन्यू रीडिंग, जो डिटेक्टिव बुक थी उसने दोबारा से उसको पढ़ना शुरू किया. राजवीर टू वॉज अडेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, वो भी बहुत ज्यादा जासूसी कहानियों का प्रशंसक था. बट एट द मोमेंट वॉज किनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. किनर मीन्स तीव्र इच्छुक. उस क्षण वो सुंदर दृश्यों को देखने का तीव्र इच्छुक था. इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ हरियाली हरियाली थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. उन्होंने भी इससे पहले कभी हरियाली नहीं देखी थी. देन इज सॉफ्ट ग्रीन पैरी. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. उन चाय की झाड़ियों में से जो एक रास्ते में उसने धान के खेतों को, सॉफ्ट ग्रीन धान के खेतों को जो है रास्ते में
आ रहे थे. इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, शानदार नजारा था अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली डेंसली इन थिकली, जो घने जंगल की पहाड़ियां थी, सी ऑफ टी बुशेज, जहां पर चाय की झाड़ियों का एक समुद्र जैसा बैकड्रॉप था, स्ट्रेच एज फार एज आई कुड सी, चारों तरफ जहां तक वो देख सकता था. डवार्फिंग, डवार्फिंग मीन छोटे, द टीनेटी बिल्कुल छोटे छोटे चाय के प्लांट्स वर टोल, लंबे स्टडी स्ट्रॉन्ग शेड ट्रीज, और उनकी वृक्षों की जो छाया थी. जो वो झाड़ियां थी जैसे ट्रेन क्रॉस होती है आपको पता है वो मूव करती हैं, और किस तरह से थी जैसे डोल कोई हिलती है. इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बेलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. और आगे क्या था स्टूडेंट, आगे इसके अंदर जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ इसमें बहुत ही एक अच्छी चीज जो है उसके अंदर कि हमारे डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. बिलोइंग मीन्स फ्लोइंग, कि जो लंबी चिमनीज थी उससे धुआं है जो बहुत ही भद्दा धुआं बड़ी बड़ी दूर बिल्डिंग के ऊपर से निकल रहा था. हे टी गार्डन, देखो टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेड, बड़ी तेजना से राजवीर जो है चिल्लाया. प्रांजल हु हैड बीन बोर्न, प्रांजल जो कि वहीं पैदा हुई थी, ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन और उन्हीं खेतों में पली बड़ी, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वो राजवीर के एक्साइटमेंट को उसने शेयर नहीं किया. वो दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड, उसने कहा ये चाय का क्षेत्र है. असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन द वर्ल्ड, संसार में असम के अंदर सबसे ज्यादा जो है चाय के प्लांट पाए जाते हैं. यू विल सी थ्रू गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम, और जब आपने अपने पिछले जो है जीवन से पूरी जीवन भर ऐसे ऐसे दृश्य गार्डन के नहीं देखे होंगे. आई हैव सीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, और आई हैव बीन रीडिंग, मैंने इन चीजों के बारे में पढ़ रहा हूँ जहां तक मैं चाय के बारे में जान पाया हूँ. राजवीर सर, राजवीर ने कहा नो वन रियली नोज, कोई भी नहीं जानता हो डिस्कवर टी कि चाय की खोज किसने की, बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन यहाँ कुछ लीजेंड्स मीन्स ऑल्ड स्टोरीज, पुरानी कहानियां हैं. बट लीजेंड्स, लीजेंड्स क्या हुआ है? ठीक है, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, जो एक पुरानी कहानी है वो चाइनीज एम्परर के बारे में, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, पानी को जो पीने से पहले वो उबाला करता था. वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्वीग्स, ट्वीग्स होता है जो घास फूस होता है उसकी पत्तियां बर्निंग जल रही थी, अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. और क्या हुआ, वो पॉट जो था उसके जो ऊपर रखा हुआ था और उसमें कुछ एक पत्तियां जो थी डिलीशियस जो थी वो पानी में जाकर गिर गई. इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां. टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल, अब प्रांजल ने जो है कहा, प्रांजल ने जो है टोंट किया उसके ऊपर, स्कॉफ्ड मींस होता है टोंटेड, प्रांजल ने टोंट किया. तो मुझे दूसरी कुछ चीज बताओ, भी है मैंने इंडियन लीजेंड टू, हमारी भारतीय पुरानी कथा है बोधि धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, जो बुद्धिस्ट का प्रशिक्षु था, भूगोल जो एक सेंट था प्राचीन, कट ऑफ हिज आईलिड्स, और उसने अपनी पुत्रियों को काट लिया बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान उसे नींद महसूस हो रही थी. टेन टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और जो वो आंख की पुतलियां उसने काटी थी वो गिरी और उससे लगभग क्या हो गया, टेन टी प्लांट्स ग्रीव आउट, उससे पांच चाय की पत्तियां जो है बढ़ गई. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, और इन पौधों की पत्तियां वेन पुट इन होट वाटर, जब गर्म पानी में डाली गई, ड्रंक वैनिश्ड स्लीप, वैनिश्ड मींस डिसअपीयर, और जो पीने से क्या होगा, नींद भागे. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, जो चाय है सबसे पहले चाइना में पी गई थी. आप सभी वाकिफ है, चाइना से बताने की जरूरत नहीं है. राजवीर एडेड, राजवीर ने कहा एज फार एज बैक एज 2700 BC, अगर हम पीछे की बात करते तो 2700 BC के बाद है. इनफैक्ट वास्तव में शब्द सच एज टी, चाय का ये जो शब्द है, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, चाय और चीनी को मिला के चाइनीज है. तो बेटा मेरे ख्याल से चाय छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि चाइनीज का जब हम बहिष्कार कर रहे हैं, उसको एक्सपेल कर रहे हैं यहाँ से, तो हमें चाय भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये चाय और चीनी तो चाइनीज से आ गए. टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century, चाय जो 16वीं शताब्दी में यूरोप से आई थी, वो ड्रंक और पी गई थी मोर एज मेडिसिन, दवाई की तरह, देन एन बेवरेज, बेवरेज होता है पेय पदार्थ, बेवरेज पेय पदार्थ की तरह दवाई की तरह. द ट्रेन कलेक्टेड इन टू मैरानी जंक्शन, मैरानी जंक्शन पर खटखटाहट से ट्रेन पहुंची. द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भाड़ वाले उस प्लेटफॉर्म से अपना रास्ता लिया. प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के माता पिता उनके इंतजार कर रहे थे. सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबाड़ी, और जल्दी ही वो ढेकियाबाड़ी की तरफ चल रहे थे. द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और प्रांजल के पिताजी हैं, जैसे आपको बताया कि वो वहाँ मैनेजर थे. एन आवर लेटर, एक घंटे बाद में, द कार वियर शार्पली ऑफ द मेन रोड, और तेजी से मेन रोड पर पहुंची. दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, उन्होंने पशुओं का जो है ब्रिज
जो पुल है वो पार किया, एंटर्ड ढेकियाबारी टी स्टेट और जल्दी ही ढेकियाबारी स्टेट में प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड और कंक्रीले, कंकर पत्थर जिसे कहते हैं ग्रेवल होता है, कंकर कंकर का वो जो रोड था उनकी दोनों तरफ वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, वहां पर अनगिनत एकड़ पर वो चाय की झाड़ियां थी, ओल्ड नीटली और सभी के सभी साफ सुथरी, प्रुन्ड टू द सेम हाइट और एक ही हवा से, यहाँ पर प्रुन्ड का मतलब होता है ट्रिम्ड और एक ही ऊंचाई से उनको बराबर काटा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स और चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले सोम विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, अपनी पीठ पर उनके बांस की जो टोकरियां थी, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रंस और प्लास्टिक के उन्होंने अपने जो है वस्त्र पहने थे, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो नई फूटी हुई पत्तियां थी, स्प्राउट होता है फूटी हुई पत्तियां थी, उनको तोड़ रहे थे। प्लांजोस फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, और प्लांजोस फादर जो थे वो धीरे धीरे ट्रैक्टर को चला रहे थे, पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और उनके पास से क्योंकि एक जो ट्रेलर था, एक बहुत बड़ा ट्रक ट्रेलर जिसे कहते हैं लोडिंग था, वो चाय की पत्तियों का पास से निकल रहा था। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ये एक दूसरा इनके फूटने का समय था। इजंट इट मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ का ऐसा है, राजवीर ने कहा, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और इसका आखिरी समय मई से जुलाई तक, एंड इट्स द बेस्ट सी, और सबसे बड़ा ये बेस्ट टी, इससे सबसे बड़ी जो है अच्छी चाय प्राप्त होती है। You seem to have done your homework before coming. मुझे ऐसा लगता है कि आपने आने से पहले काम खत्म कर लिया। प्रांजोस फादर सैड इन सरप्राइज, हानि में उन्होंने कहा, यस मिस्टर बरुआ, हाँ राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने इस चीज़ को जो है माना, स्वीकार किया, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैं और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट जो ज़्यादा सीकिंग नॉलेज के लिए रहता है, एकदम एक्साइटेड रहता है, वो एक रियल में फिलोसफर होता है। तो आप भी एक फिलोसफर बनने की कोशिश कीजिए, आप सीखिए जितना सीख सकते हैं, देर इज नो एज बार फॉर लर्निंग एंड गेन। तो एक अच्छा लेसन आप सभी के समक्ष, तो अभी लेसन खत्म है। चाय आपको बता दिया है कि चाय और चीनी चाइनीज है, सो बेटा अवॉइड टी, एंड इंस्टीड ऑफ दैट यू कैन यूज इंडियन प्रोडक्ट सच एज बटर मिलक, ओके, एंड मिल्क, वट एवर वराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर विच इज मेड अप फ्रॉम मेड फ्रॉम द मिल्क। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।